हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में, यानी कि हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच का अंतर को। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मैं आदित्य गुप्ता स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल GK&GS अपडेट पे। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अपने टॉपिक यानी कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बीच के अंतर के बारे में, तो फ्रेंड्स ये जो दोनों टर्म है यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये हमारे देश में उपस्थित किसी भी प्रकार की कमर्शियल बैंक जैसे PNB, HDFC, SBI और देश में के सेंट्रल बैंक यानी कि अपने देश के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में पैसे के लेन देन पे लगने वाले इंटरेस्ट के को नॉमिनेट करता है। तो अगर जैसे कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें, तो फ्रेंड्स जैसे देश में उपस्थित कमर्शियल बैंक अगर देश के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसा देती है, तो उस पर जो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में, तो इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो वह ब्याज दर जिस पे RBI देश में उपस्थित अन्य व्यापारिक बैंक जैसे HDFC, PNB से पैसा लेती है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम बात करें रेपो रेट के बारे में, तो फ्रेंड्स इट इज़ द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि वह ब्याज दर जिस पे RBI देश में उपस्थित अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, रेपो रेट को हम तीन भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, जो है पहला MSF, दूसरा है रेपो रेट और तीसरा है बैंक रेट। यानी कि जो हमारा RBI होता है वो कमर्शियल बैंकों को पैसा बहुत कम दे, या तो एक दिन के लिए देती है, नहीं तो 2 से 14 दिन के लिए देती है, या फिर 2-14 दिन से अधिक के लिए देती है। तो बैंक जब एक दिन के लिए पैसा देती है तो उसे हम MSF कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और जब बैंक 2 दिन से 14 दिन के लिए देती है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं, और बैंक जब RBI देश में उपस्थित अन्य बैंकों को पैसा 14 दिन से अधिक के लिए देती है तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होगा, यानी कि रेपो रेट इज ऑलवेज मोर देन रिवर्स रेपो रेट। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसके क्वालिटी के बारे में, तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर अ मैकेनिज्म विच RBI यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग को रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।